हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिड्स, या जिसे साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स बोला जाता है, राइट? सो हाइब्रिड्स, पहले बात करते हैं हाइब्रिड्स जो है स्टार्ट एच से, हाइब्रिड्स। सो हाइब्रिड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड वो वाली स्पीशीज़ हैं जो कि हम पेरेंट और मदर, यानी कि जो दो स्पीशीज़ लेते हैं और उन दो स्पीशीज़ का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब इसका इसके साथ नहीं मैच करता होगा, इसका इसके साथ नहीं मैच करता होगा, दोनों का डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल होता है दोनों स्पीशीज़ का, और उनको हम क्रॉस करवाते हैं, उनकी मेटिंग करवाते हैं, और उनका जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होता है F1 जनरेशन में, उसे हम बोल देते हैं हाइब्रिड। बट जो काइब्रिड है ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है। काइब्रिड क्या होता है कि ये वो वाले सेल्स होते हैं, ये, या फिर हम बोल सकते हैं अगर प्लांट का केस ले रहे हैं, ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक स्पीशी का आएगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होगा ना वो दोनों ही पेरेंटल स्पीशी से आएंगे, ठीक है? जैसे कि मैं मान लूँ कि यहाँ पर P1 एंड P2 दो स्पीशीज़ हैं, मतलब ये फादर है ये मदर है, दो स्पीशीज़ हैं, और हमारे पास जो इनका रिजल्टेंट काइब्रिड आएगा, ठीक है, जिसे हम काइब्रिड बोलने वाले हैं, उस काइब्रिड में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म तो दोनों का होगा लेकिन जो न्यूक्लियस है ईदर ऑफ द पेरेंट हो सकता है, ईदर फादर का हो सकता है और मदर का हो सकता है, लेकिन एक ही पेरेंट का जो न्यूक्लियस होगा वो उसमें प्रेजेंट होगा। सो एक दफ़ा फिर से हम इस टर्म को देख लेते हैं कि काइब्रिड्स आर द सेल्स और द प्लांट कंटेनिंग न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीशी, न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीशी बट द साइटोप्लाज्म from both of the parental species. They are produced in variable frequencies in normal protoplast fusion. तो ये मतलब काइब्रिड्स बनते कब है हमारे? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के टाइम पे। और कौन कौन से मतलब फॉलोइंग कंडीशंस हैं जब काइब्रिड्स बनने के चांसेस रहते हैं? फर्स्ट है कि फ्यूजन ऑफ द नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन स्पीशी, नॉर्मल जो प्रोटोप्लास्ट होगा ना एक स्पीशी का, मतलब जो नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट रहेगा विद एन इनएक्युलेट प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट हैविंग एन इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियस। मतलब एक वाला यहाँ पर मैं इधर से समझा देती हूँ, जैसे कि P1 हमने लिया, ठीक है, फर्स्ट केस बता रही हूँ, इसका जो न्यूक्लियस है ना वो एक्टिवेटेड है, एकदम सही है, इसका प्रोटोप्लास्ट जो होगा ना उसके जो न्यूक्लियस होगा वो एकदम ही क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा। लेकिन जो दूसरे वाला होगा ना, एग्जाम्पल मदर, जो P2 है मदर वाले का, उसका प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, इनएक्युलेट होगा या फिर इनएक्टिवेटेड क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो इसी का ही न्यूक्लियस ट्रांसफर होगा ना काइब्रिड में, और साइटोप्लाज्म तो दोनों का एक्टिवेटेड है तो साइटोप्लाज्म दोनों का आएगा। सो यही उन्होंने बोला है, द फ्यूजन ऑफ द नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन स्पीशी विद एन इनएक्युलेट प्रोटोप्लास्ट और द प्रोटोप्लास्ट हैविंग एन इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियस ऑफ द अदर स्पीशी। सेकेंड केस क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीशी फ्रॉम द नॉर्मल हिट्रोकैरियन। हिट्रोकैरियन में क्या होता है, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो कहते हैं कि एलिमिनेट ही हो गया, एक दफ़ा क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन आई कि सिर्फ पेरेंट में से मदर का ही जो न्यूक्लियस था वो आगे काइब्रिड्स में आया, ठीक है, और फादर का आया ही नहीं, वो एलिमिनेट हो गया, तो हिट्रोकैरियन जो बना होगा सो वो क्या कहलाएगा, हमारा काइब्रिड्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ वन स्पीशी फ्रॉम द हाइब्रिड सेल ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के टाइम पे एलिमिनेट होता गया क्या, एक स्पीशी का जो सेल थे, ठीक है, एक स्पीशी के जो क्रोमोसोम्स थे उसके जो सेल का पूरा जेनेटिक मटेरियल था वो एलिमिनेट होता गया, जिसकी वजह से वो आगे जो है इनहेरिटेड हुआ ही नहीं बच्चे में, मतलब ऑफस्प्रिंग में आगे आया ही नहीं। काइब्रिड्स में बी प्रोड्यूस्ड इन रिलेटिवली हाई फ्रिक्वेंसी बाय, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ही पेरेंट का चाहिए न्यूक्लियस, ठीक है, सो उसे हम प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, उसे हम इंड्यूस करवा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, इरेडिएटिंग द प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन स्पीशी, इरेडिएटिंग का मतलब है एक्सरे प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से एक जो पेरेंट होगा ना उसका न्यूक्लियस एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ दूसरे का ही रहेगा, और दूसरे का रहेगा तो आगे काइब्रिड्स में भी वो जो है वही न्यूक्लियस पास ऑन होगा।
क्या है, प्रियर टू द फ्यूजन इन ऑर्डर टू इनएक्टिवेट देयर न्यूक्लियाई। और ये हमने कब करना है एक्सरे वाला, इनएक्टिवेट जो न्यूक्लियाई करना है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से पहले। सेकंड क्या है, बाय प्रिपेयरिंग इन न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट जो साइटोप्लाज्म है ऑफ वन स्पीशी एंड फ्यूजिंग दैम विद द नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट। मतलब एक वाले को हमने जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, जिसका न्यूक्लियस इनएक्टिवेट है, हमने वो ले लिया, दूसरे वाले का सही है न्यूक्लियस तो वो ले लिया। ठीक है, जब उनको हम क्रॉस करवाएंगे तो उसका जो काइब्रिड्स है उसमें ऑब्वियसली बात है एक ही पेरेंट का जो न्यूक्लियस होगा, जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियस होगा वही आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे काइब्रिड्स का, इज टू कंबाइन द साइटोप्लाज्मिक जीन, ताकि हम क्या कर सकें, साइटोप्लाज्मिक जीन्स को कंबाइन कर सके ऑफ वन स्पीशी विद द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक जीन ऑफ द अनदर स्पीशीज। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इससे साइटोप्लाज्म दोनों का ही आ जाता है, या अगर हम एक का चाहते हैं तो साइटोप्लाज्म एक का आता है और दूसरे का सिर्फ न्यूक्लियस ही आता है, या दूसरा केस क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट्स का आता है और न्यूक्लियस सिर्फ एक ही पेरेंट का आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइब्रिड्स बोलते हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया, अगर फिर भी ना समझ आ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगी। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जितने भी स्टडी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब साइंस से रिलेटेड वीडियोस है वो अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नई अपडेट्स आपको नोटिफाई होती रहें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।